आप देख रहे हैं पलपल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जुमे की नमाज पर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल बार बार खड़ा होता है और जुमे की नमाज को लेकर के इस तरीके से प्रटेंड करने की कोशिश की जा रही है कि जुमे की वजह से ही सारा फसाद हो रहा है, जो कि गोदी मीडिया इन तस्वीरों के ऊपर बात करता रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके खिलाफ जहर उगलते रहे, जब एक तरफ से 24 घंटे दिन रात जुम्मे की नमाज का राग अलापा जाएगा गोदी मीडिया द्वारा, तो तस्वीरें सामने आना लाजमी है और वो अब तस्वीरें सामने आना शुरू हो गई है, जहां नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में आग लगी हुई है। तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी और तमाम हिंदूवादी संगठनों ने खुले आसमान के नीचे अपने गुंडों को छोड़ दिया है कि जाओ बेटा, जो जितनी ज्यादा नफरत फैलाएगा उसको उतना बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब कौन सबसे बड़ा कट्टर हिंदू संगठन कहलाएगा, ये भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अब जुमे की नमाज को लेकर के सड़कों पर आ गए हैं, जो कि हर दिन जुमे की दिन पर एहतजाज हुआ, कानपुर में तस्वीर देखने को मिली और 10 तारीख को देश भर से तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आई। अब उसको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतर आया है। किस तरीके से वीडियो सामने आ रहा है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आज हम लोग जो है विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय दिशा निर्देश के बाद में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के द्वारा आज हम लोग ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। धरना प्रदर्शन हम लोग ने जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंदू परिवार के मठ मंदिरों पर जो है आतंकियों जिहादियों द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं उसके विरोध में, और जो हिंदू परिवारों के साथ में जो हमलाएं हो रही हैं उसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया था और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे की? हम लोगों ने मांगे ये की है कि आतंकियों द्वारा, जिहादियों द्वारा और जो यहाँ पर दंगाइयों के द्वारा जो हिंदू परिवारों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए और उनके ऊपर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसके जिंदाबाद, 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश का ये वीडियो देखा, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि बिहार के आरा जिला से भी सामने एक वीडियो आया है, पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। अगर जुम्मे का नमाज है या तो अपने घर में पढ़े, रोड पर अनुमति नहीं है। मैं प्रशासन को बार बार आग्रह करना चाहता हूँ, अजान के बाद पत्थरबाजी करते हैं, ये बर्दाश्त हो सकते हैं क्या? नहीं। कभी हो गया? नहीं। ये पाकिस्तान का है यार, ये इंडिया है और इंडिया के बड़ा जिला भैया तगड़ा जीता हम एजर एक से एक पढ़ के बारे आदमी तो तू जितना देते खरीबा हूँ खाली कोई इशारा कभी का एक कहावत है कि तार सुसु कर मुश्किल कर दिए तू कहीं से एक शब्द बहुत दूसरा बोलन था भाई के मौका दे रही एक बात समझ लीजिए फिर मैं बताना चाहता हूँ कोई भाई कहीं से भी धमकी वाली कॉल आते हैं फिर कितने लोग बोले कि भैया हमारा मैसेजर और मैसेज सामने तो ऐसे कौन अगर सामने देख लेंगे अरे आप तो सही हम देखा और देखे हम इनके जवाब जी का
आपने ये वीडियो देखा जहां नुपुर शर्मा के समर्थन में रैली निकाली जा रही है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, भड़काऊ नारेबाजी दी जा रही है, पर पुलिस प्रशासन के हाथ में ना तो अब लठ दिखाई दे रहे हैं और ना ही गोलियां दागी जा रही हैं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो गुंडे हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, तो तमाम चीजों पर आंखें मूंद ली हैं, खासतौर पर प्रशासन ने। और क्या कुछ तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है, पहले इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा के विरोध में गुरुवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद सड़कों पर उतर आया। कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, आगरा, मुरादाबाद सहित कई जिलों में प्रदर्शन हुआ। कानपुर में गुरुदेव चौराहा, खलासी लाइन, रामदेवी और किदवई नगर चौराहे पर प्रदर्शन सबसे ज्यादा था। कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर नारेबाजी की और हनुमान चालीसा का पाठ किया। पत्थरबाजों होश में आओ और जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे के नारे लगाए जा रहे थे। वाराणसी में वरुणा नदी के किनारे शास्त्री घाट पर कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद प्रदर्शन किया। उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन के अफसरों को सौंपते हुए कहा कि देश में बढ़ रही इस्लामिक कट्टरता पर रोक लगाई जाए। काशी के बजरंग दल के सह संयोजक कुपा शंकर तिवारी ने कहा कि पथराव और उपद्रव पर स्थायी रूप से रोक लगे, जो उपद्रवी हैं उन पर सख्ती के साथ प्रभावी कार्रवाई की जाए, देश में शांति का माहौल हो और माहौल खराब करने वाले कतई बख्शे ना जाएं। ये कहना है विश्व हिंदू परिषद के नेता का। पर यह सवाल प्रशासन से ये है कि माहौल असल में अब सड़कों पर खराब करने के लिए कौन उतरा है? क्या इन लोगों के ऊपर भी लठ चलाने का काम किया जाएगा? ये सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है। तो वहीं आपको बता दें कि मेरठ में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कमिश्नर कार्यालय के बाहर चौधरी चरण सिंह पार्क में हनुमान चालीसा का पाठ किया। हिंदुत्व की जय का नारा लगाते हुए डीएम कार्यालय जाकर प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शन में शामिल हुए हर व्यक्ति की जुबान पर एक ही वाक्य था, जिस घर से अफसल निकलेगा वहां घुसकर मारेंगे। भाजपा के निष्कासित प्रवक्ता नुपुर शर्मा के समर्थन में बजरंग दल और विहीप के कार्यकर्ता आए। मुरादाबाद और प्रयागराज में नुपुर तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए गए, तो नुपुर शर्मा का सिर कलम करने की धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। हिंसा के विरोध में आगरा, सहारनपुर, चित्रकूट, बागपत और जालौन में भी बजरंग दल और विहीप कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में बजरंग दल के कार्यकर्ता ने हनुमान चालीसा का पाठ का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। ये प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद यानी विहीप की अपील पर बजरंग दल ने साथ मिलकर किया। पहले संगठन ने कहा कि मुस्लिम कट्टरता पर पुस्तक पुतला फूका जाए, लेकिन उसे निरस्त कर दिया गया। मठ मंदिर में जहां प्रदर्शन के दौरान नारे लग रहे थे, मठ मंदिर के सम्मान में बजरंग दल मैदान में जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। भारत माता के सम्मान में बजरंग दल मैदान में पत्थरबाजों होश में आओ, पाकिस्तान मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को फांसी दो। ये तस्वीरें सामने आई। तो वहीं मुरादाबाद की पुलिस मौजूदगी में अंबेडकर पार्क में कार्यकर्ता जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए गए। एडीएम सिटी आलोक वर्मा और एसपी सिटी अखिलेश भदुरिया ने कार्यकर्ता को समझाने का प्रयास किया। प्रशासन अंबेडकर पार्क में भी ज्ञापन लेकर प्रदर्शन को खत्म करना चाहता है। कार्यकर्ता कलेक्टर जुलूस ले जाकर प्रदर्शन करने की मांग पर अड़े रहे। तो वहीं बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे, यहां प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष अमित जैन ने बताया कि 100 से ज्यादा शहरों में रामनवमी के दिन पथराव किया गया, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश में पीएफआई जैसे संगठन को प्रतिबंध कर इनकी फंडिंग की जांच की मांग की जा रही है।
जहां इन गुंडों की फंडिंग कहां से हो रही है इसकी जांच करने की जरूरत है। जो लोग सड़कों पर आकर के उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, धमकी भरे लहजे और धमकी भरे नारे लगा रहे हैं, पर जो शुक्रवार को अलर्ट मोड में प्रशासन नजर आता है वो इस दौरान नजर नहीं आया जब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के गुंडे इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनकी नकेल कसी जाए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत। शुक्रिया।